बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल मैक्रोनी। तो इसके लिए हमने लिया है, देखिए एक बॉल जो है ना जी, हमने उबली मैक्रोनी ली है, बंद गोभी ली है, प्याज ली है मीडियम साइज़ का, इसे देखें इस क्यूब सी शक्ल में काट ली है। सारी सब्ज़ियाँ जो हमने तकरीबन क्यूब सी शक्ल में काटी हैं। ये शिमला मिर्च है, दरमियाने साइज़ की ली है एक अदद, थोड़ा सा गाजर का पीस था इसे हमने ग्रेट कर लिए, टमाटर बीज निकाल के तो इसे भी कटिंग देखिए क्यूब्स की शक्ल में इसी कटिंग की है, उबले हुए मटर और ये एक जवा लहसुन का लिया है, लेकिन ये ज़रा बड़ा है ठीक है, तो इसे हमने भी कटिंग कर ली है। मसालों में लिए एक टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिए और हाफ टी स्पून नमक लिया है, डेढ़ टेबल स्पून सोया सॉस है, डेढ़ टेबल स्पून चिली सॉस है और तकरीबन एक टेबलस्पून चिकन पाउडर का हमने लिया है, हाफ कप कुकिंग ऑयल का लिया है, हाफ से भी थोड़ा कम है ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले लहसुन डालेंगे, इसे थोड़ा सा सोते करेंगे। लहसुन को सोते करने के बाद हम सबसे पहले इसमें डालेंगे प्याज और शिमला मिर्च डाल देंगे। सब्ज़ियाँ ज़रा कट्ठी कटिंग की है तो उससे थोड़ी थोड़ी मिक्स भी हो चुकी है। प्याज और शिमला मिर्च को एक से दो मिनट भूनने के बाद इसमें डाल देंगे मटर, बंद गोभी डाल देंगे, एक मिनट इसे भी भूनेंगे लेकिन फ्राई करेंगे घी में। अब इसमें डाल देंगे गाजर, फिर एक मिनट इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल देंगे काली मिर्च और नमक, नमक आपने कम ही इस्तेमाल करना क्योंकि सॉसेज में भी नमक है और चिकन पाउडर में भी नमक है। आप अगर चिकन पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप बेशक ना डालें। अब डाल देंगे चिकन पाउडर, चिली सॉस डाल देंगे, साथ ही सोया सॉस डाल देंगे और टमाटर भी साथ डाल देंगे। मिक्स करेंगे, अब साथ ही इसमें हम मैक्रोनी डाल देंगे उबली हुई। मिक्स करेंगे, सबसे पहले जो मैंने मैक्रोनी खाई थी मैंने अपनी अपने हाथ से खाई थी, वो जो बनाती हैं उसका एक अपना ही टेस्ट है, शायद उसमें उनका प्यार भी शामिल होता है इसलिए मुझे मज़ा आता है। अच्छी तरह जो हम इसे मिक्स कर लेंगे तो फिर हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसे हल्के लो फ्लेम पर इसे दम देंगे। वेजिटेबल मैक्रोनी जो है ये देखिए मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो सब्ज़ियाँ हैं ये टमाटर बिल्कुल इसमें मिक्स नहीं होने चाहिए, सब्ज़ियाँ जो है अलग अलग नज़र भी आनी चाहिए ठीक है। अब इस स्टेप पे आपने अगर चाहें तो जो हाफ कप केचप का है, हाफ छोटा कप ठीक है, तो वो इसमें आप केचप डाल के इसी में मिक्स कर लें, अगर नहीं तो आप अलग प्लेट में डाल के खा सकते हैं। चलिए अब डिश आउट करते हैं। वेजिटेबल मैक्रोनी रेडी हो चुकी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो सब्ज़ियाँ वो इसमें मिक्स ना हो, ज़रा अलग अलग खड़ी खड़ी नज़र आनी चाहिए। चलें जी, खुश रहें, आबाद रहें, बहुत सारी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।